हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने डिस्कस किया था CIA ट्रायड के बारे में, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इस CIA ट्रायड के अंदर हमने डिस्कस किया था हम कैसे अपने इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर, हमारे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, उन सभी के अंदर जो है हम हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर करेंगे। वो जो इन्फॉर्मेशन हम सिक्योर कर रहे हैं वो किस लोकेशन से कर रहे होंगे, किन एप्लीकेशन, किन रिसोर्सेज से कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ टर्म वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी इज ए साइबर सिक्योरिटी टर्म दैट रेफर्स टू ए फ्लो इन ए सिस्टम दैट कैन लीव इट ओपन टू अटैक। बेसिकली वल्नरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग यही है साइबर सिक्योरिटी टर्म्स के अंदर, जो कि हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी फ्लो होता है, यानी कुछ कमियां होती है, वो कमियां जो है हमारे सिस्टम को जो है ओपन टू अटैक छोड़ देती है, जिससे जो है उन पर्टिकुलर कमियों पे, उन पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी पे जो है कोई भी अटैकर जो है ईजिली अटैक कर सकता है। जो भी आपकी लोकेशन है जो कि वल्नरेबिलिटी के लिए अवेलेबल है, यानी फ्लो इन ए सिस्टम, जो भी कमियां आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है उसको जो है हैकर्स इजीली अटैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मार्केट स्टडी और गवर्न्ड बाय सोशल वर्चुअस। बिकॉज सोशल एप्लीकेशन जितने भी हम यूज करते हैं, जो कि पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल है, उनके थ्रू जो है वो आपको इजीली अटैक कर सकते हैं। अब मार्केट प्लेस फॉर वल्नरेबिलिटीज के अंदर हमारा एक टॉपिक आता है एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1। ये जो हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1 है, ये जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का एक मेजर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज इसके अंदर जो है हम जो है एक समराइज कर देते हैं हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ अटैक को है। सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा वेब एप्लीकेशन अटैक। जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, वेब एप्लीकेशन, जो भी हम इंटरनेट के थ्रू जो है हमारी एप्लीकेशंस यानी कि वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। और उन वेबसाइट्स के थ्रू जो अटैक होते हैं हमारे सिस्टम पे, वो कहलाते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन अटैक। कि जो भी अटैक होते हैं हमारे वेब एप्लीकेशंस के थ्रू, वेब वेबसाइट्स के थ्रू, जो कि क्या करते हैं हमारे जो भी डेटा अवेलेबल होता है पब्लिक डेटाबेसिस पे, यानी कि जो भी हमारे वेबसाइट का डेटाबेस है उसके ऊपर हमारा जो भी डेटा प्रेजेंट है, उन सभी को जो है वो चर्न कर लेते हैं, थेफ्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब एप्लीकेशन अटैक। और जो भी जो हमारा डेटा लीक होता है, वो सारा लीक होता है हमारा, थेफ्ट होता है हमारा, चर्न होता है हमारा डेटाबेसिस के थ्रू। और डेटाबेसिस में जो है हम हमारी मेनली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को स्टोर कराते हैं, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंकिंग पासवर्ड एंड डिटेल्स, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो है हमारा वेब एप्लीकेशन अटैक के थ्रू जो है हैकर्स अटैक करते हैं और डेटाबेसिस में से जो है हमारी इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर लेते हैं। सेकंड आता है इसके अंदर हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स। अब नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स हमारा यूज होता है जो भी ओवर द नेटवर्क्स, यानी कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जो हम शेयर करते हैं, उस नेटवर्क के ऊपर जो भी अटैक होता है और वहाँ से जो हमारी इन्फॉर्मेशन थेफ्ट की जाती है, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक। नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स आर अनऑथराइज्ड एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंटल आईटी एसेट्स इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय देम, मॉडिफाई देम और स्टील सेंसिटिव डेटा। जैसा कि मैंने आपको समझाया, नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक के अंदर क्या होगा, जो भी ओवर द नेटवर्क हम हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, आइदर वो प्राइवेटली हम कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हम कर रहे हो, या गवर्नमेंटल आईटी एसेट्स, यानी कि सपोज हम कई बार क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स को जो है हमारी गवर्नमेंटल डिटेल्स देते हैं, सपोज हमारी आधार डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स। तो ये जो ओवर द नेटवर्क हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, समटाइम्स जो है अटैकर क्या करते हैं, इस नेटवर्क सिक्योरिटी पे जो है अटैक करते हैं और हम जो भी हम हमारी डिटेल शेयर कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, उसको वो मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं एंड अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अटैक इन नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जो है दो टाइप्स के अटैक होते हैं। तो सबसे पहला अटैक आता है हमारा पैसिव अटैक। पैसिव अटैक के अंदर क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो सिर्फ स्क्रीन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, यानी जो भी अटैकर है अगर उसने ओवर द नेटवर्क आपकी सिक्योरिटी पर अटैक किया, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो जो है आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन करेगा, मॉनिटर करेगा एंड पेन डाउन करेगा। बट एक्टिव अटैक के अंदर क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने एक्सेस की है ओवर द नेटवर्क, वो क्या करेगा, उसके अंदर जो है
आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है मॉडिफाई करेगा और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सपोज समटाइम्स हमें लगता है कि हम बोलते हैं कि हमने हमारी इन्फॉर्मेशन जो है सेंड कर दी है, बट समटाइम्स क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर होता है, हमारा फ्रेंड हो रिलेटिव हो, उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है एंड वी से दैट हम सेंड कर चुके हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो है सेंडर ने जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो रिसीवर के पास रिसीव नहीं होती है। तो ये दो टाइप के नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक होते हैं, जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ मॉनिटर किया जाता है पैसिव अटैक के अंदर, एंड इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय द हैकर इन एक्टिव अटैक। एट लास्ट इसके अंदर थर्ड टाइप का मेजर सिक्योरिटी अटैक आता है, हमारा मोबाइल सिक्योरिटी अटैक। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे मोबाइल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स है, हमारे मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू जो भी अटैक होते हैं उन सभी को हम जो है मोबाइल सिक्योरिटी अटैक्स के अंदर कवर करते हैं। मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी एप्लीकेशंस मैलवेयर वायरस जो भी इंसर्टेड होते हैं हमारे मोबाइल के अंदर, उन मैलवेयर उन वायरसेस की हेल्प से जो है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, थेफ्ट किया जाता है। और हम मेजरली क्या करते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर जो है वायरलेस कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं थ्रू वाईफाई। तो अगर हमारा वाईफाई नेटवर्क भी सिक्योर नहीं होगा तो हमारा वायरलेस एनवायरनमेंट जो भी है हमारे सिस्टम का, हमारे मोबाइल का, वो भी जो है इनसिक्योर हो जाएगा और हमारा मोबाइल जो है जनरली जैसे बिहेव करता था, यानी कि फास्ट एंड एफिशिएंट, वैसे वो बिहेव नहीं करेगा, वो लैग करना स्टार्ट करेगा एंड हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो थेफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एरर 404 हैकिंग डिजिटल इंडिया पार्ट 1, ये एक मेजर टॉपिक है हमारे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी करिकुलम का, और इसके अंदर तीन टाइप के मेजर अटैक हमने पढ़े, वेब एप्लीकेशन अटैक, मोबाइल सिक्योरिटी अटैक एंड नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक।